हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो एनिवर्सरी केक का वीडियो है। और वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये केक मैंने विदाउट फोंडेंट बनाया है, किसी भी फोंडेंट का यूज़ मैंने नहीं किया है। आप जो ये हार्ट देख रहे हैं, कपल देख रहे हैं, ये मैंने चॉकलेट से बनाए हैं, फोंडेंट से नहीं बनाए हैं। तो इसे चॉकलेट का यूज़ करके किस तरह से बनाना है यही मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लेके केक बना लिया है, केक बेस, और इसे मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। अब केक की फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पे ली है और उसे वाटर से अच्छे से सोक कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाया है और चॉकलेट गनाश डाला है। ये मैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में बना रही हूँ केक, और इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ऊपर से मैं डार्क चोको चिप्स जो है वो डाल रही हूँ। केक की दूसरी लेयर रख दी है मैंने, उसे भी वाटर से सोक कर लिया है, और फिर से क्रीम डाल के, गनाश डाल के इसे भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब यही प्रोसेस हमें तीनों लेयर में करना है, और साइड से भी पैलेट नाइफ जो है वो अच्छे से घुमाते जाना है। अब यहाँ भी मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ, और केक की जो तीसरी लेयर है उसे भी मैं यहाँ पे रख दूंगी, और केक को हमें अच्छे से क्रम कोट करके फ्रीज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे केक जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं वाटर से सोक कर रही हूँ और थोड़ा सा क्रीम लेके इसे क्रम कोट कर लेना है। जब हम इसे क्रम कोट करते हैं, जब फाइनल फिनिशिंग करते हैं, तो अच्छे से हमारी फिनिशिंग होती है। केक के जो क्रम्स है वो क्रीम में नहीं आते हैं। तो आप इसे क्रम कोट करके फ्रिज में ज़रूर से रखिए। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ मैं फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड से क्रीम लगा लिया है, और इसे केक की जो साइड है वो हमें अच्छे से प्लेन कर लेनी है। अब यहाँ ऊपर से मैंने क्रीम डाला है और उसे भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब यहाँ मैंने ये जिगजैग वाला स्क्रैपर लिया है और इससे मैं केक को साइड से डिज़ाइन दे रही हूँ, और जो ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम आई है उसे भी मैं पैलेट नाइफ से हटा दूँगी। तो ये केक की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से कर लेनी है हमें। तो यहाँ केक की फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ मैंने 40 ग्राम वाइट चॉकलेट लिया है और उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब उसमें मैं रेड कलर डाल रही हूँ, ये जेल कलर है, सुपर रेड है, रेड कलर है ये। सिर्फ 2 बूंद ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये चॉकलेट का यूज़ करके मैं हार्ट बनाने वाली हूँ। तो ये कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 2-3 बूंद पानी डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो 2 बूंद ही मैंने यहाँ पे पानी डाला है। तो पानी डालने से चॉकलेट जो है वो जम गई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी का यूज़ हम फोंडेंट जैसे करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसी के मैं हार्ट बनाने वाली हूँ। अब ये थोड़ा सॉफ्ट है तो इसे हमें 1 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है। तो मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ी हार्ड हो गई है ये चॉकलेट। तो हमारे हाथ में भी गर्मी होती है, तो ये जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो ये थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसे थोड़ा फ्रीज में रखना है, बाहर निकालना है, ऐसे ही आपको इससे काम करते जाना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सॉफ्ट कर लेना है हमें हाथ। अब यहाँ मैंने एक प्लास्टिक लिया है और प्लास्टिक की मदद से मैं इसे हाथ से ही बेल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ये हाथ की गर्मी से ये सॉफ्ट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे हार्ट नहीं बनेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसे हमें 1 मिनट के लिए फ्रीज में रखना होगा। तो मैंने ये फ्रीज में रख दिया था।
अब ये जो हार्ट वाले प्लंजर है मेरे पास, ये फोंडेंट में यूज़ होते हैं, तो इससे मैं हार्ट बना रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कितने इजीली ये बनते हैं। तो चॉकलेट को हमें कम से कम आधा या एक मिनट के लिए फ्रीज में रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से बना के रखे हैं और बाकी के मैं अब बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें जितने हार्ट की ज़रूरत है उतने बना लेने हैं, तो ये इजीली बनते हैं। तो जब तक हमारा हाथ इस पे नहीं लगता है तो ये हार्ड ही रहते हैं और हमारी हाथ की गर्मी से ये थोड़ा मेल्ट होना शुरू होते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा इसे। तो ये रेडी हो गए सारे हार्ट्स। अब यहाँ मैंने 40 ग्राम डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिया है और उसमें मैं हाफ TSP जेल डाल रही हूँ। ये न्यूट्रल जेल है। तो पहले मैंने पानी का यूज़ किया था और अब मैं यहाँ पे जेल का यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जेल नहीं है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड से बना दिया है, बना के आपको बता दिया है। तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें मैंने जेल डाला था तो उससे भी चॉकलेट जो है वो थोड़ी जम गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन डार्क चॉकलेट जो है वो थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती है, एकदम डार्क ब्लैक नहीं होती है। तो इसमें मैंने ब्लैक कलर का जेल कलर डाला है और इसे भी मैंने एक मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा जम गया है। तो अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसे हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक शीट पे ही इसे स्मूथ किया है और इसका एक गोला बना के हमें बेल लेना है। तो इसे मैं बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास ये कपल के मोल्ड है, तो ये वाला मोल्ड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप। तो इसे हमें, जो हमने ये फोंडेंट है चॉकलेट का, इसे बेल लिया है, तो उसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर लेना है और इसका जो डिज़ाइन है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन इस पे छप गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखना है, कम से कम आधा मिनट तो हमें फ्रीज में रखना है। और फिर देखिए ये चॉकलेट थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसे मैंने आधा मिनट फ्रीज में रख दिया था। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आपको जो इसका डिज़ाइन है उसे अच्छे से चाकू की मदद से इसे निकाल लेना है। तो ये फ्रीज में रखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इजीली ये निकल आता है। तो ये भी कपल जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम केक के ऊपर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्री बना रही हूँ। तो ट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ट्री बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको बनाना होगा। अब यहाँ पे ट्री की जो ब्रांचेस है वो भी मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये एनिवर्सरी केक है तो हम यहाँ पे ट्री के ऊपर ये बनाए हुए हार्ट लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको छोटे लगाने हैं तो आप छोटे भी लगा सकते हैं, अगर आपको बड़े लगाने हैं तो बड़े भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीन शेप में बनाए हैं, थोड़े छोटे हैं और बड़े भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर लेना है ट्री के ऊपर। तो ये केक जो है ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये सारे हार्ट लगा के हो गए हैं। अब जो हमने चॉकलेट का जो कपल बनाया था वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी साइड में। अब जो यहाँ बीच में जगह है तो वहाँ पे भी मैं ये हार्ट रख रही हूँ। तो इन दोनों का जो हाथ है तो वहाँ पे मैंने हार्ट रख दिया है। तो अब यहाँ साइड में थोड़ी जगह है तो वहाँ पे भी मैं हार्ट रख रही हूँ चॉकलेट के। तो अब यहाँ मैं बॉर्डर बना रही हूँ और बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल सा नोज़ल यूज़ किया है। तो इस नोज़ल का कोई नंबर नहीं है, मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है नोज़ल।
अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग को कट करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत सिंपल ये डिज़ाइन है। तो देख सकते हैं गाइस, ये केक पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।